नहीं देख रहे सर, अच्छी बात, तो नहीं देख रहे अच्छी बात है। तो आरसीबीएस के क्या लिखा हुआ था बताओ, ये सब अभी चैट में आरसीबी से भी क्या लिखा हुआ था फिर? कल मेरी टीम जीत गई, मजा आ गया, नालायक मेरी टीम तेरी टीम, कोई टीम नहीं किसी का, समझा? देखने तो सर वैसे भी इनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्या लिखा देवेश जरा सा, सब फिक्स जाता है। सही बोला, बाकी सब हाल चाल बढ़िया बच्चा, बाकी सब हाल चाल बढ़िया। चल फिर पढ़ाई शुरू करें बच्चा। देखो तो पिछली क्लास में कहां तक पढ़े थे बेटा हम लोग, मतलब ग्रोथ एंड डीके का थ्योरी पढ़ लिए थे बेटा हम लोग, है ना? ग्रोथ एंड डीके वाले क्वेश्चंस का थ्योरी पढ़ लिया था बेटा हम लोगों ने, ठीक है? अब चलो क्वेश्चंस करना है बच्चा, देखा जाए बच्चा। मैं एकदम फर्स्ट क्लास बेटा, एकदम मस्त। चलो क्वेश्चन देखा जाए। देखो बच्चा क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक रेजिस्टेंस है बेटा 20 ओम का, ये हमारा है बेटा इंडक्टर, इंडक्टर हमारा है बेटा, ये हमारा है 5 हेनरी का, ठीक है? ये हमारा स्विच और ये सेल, ये सेल हो गया बेटा हमारा 40 वोल्ट का, ठीक है? सवाल कहता है कि एट टी इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड, है ना बेटा? स्विच को हमने टी बराबर 0 पे क्लोज कर दिया, ठीक है? तो पहला सवाल पूछ रहा है, तो तिरछा हो रहा है। देखो टी बराबर 0 पहला सवाल है बेटा, अभी भी तिरछा है यार, 1 मिनट। प्लीज इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ साउंड, साउंड का वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकते हैं बच्चा? यहां से कोशिश करता हूं। जितना हो सकता था बेटा मैक्सिमम कर दिया। चलो देखो अब, अच्छा एक बार यहां भी चेक कर लूं, एक बार। अच्छा यहां से कुछ नहीं हो सकता, जो हो सकता है ठीक। चलो देखो बच्चा, तो पहला सवाल है बेटा, फाइंड फाइंड स्टेडी स्टेट करंट, है ना बेटा? पहला सवाल है स्टेडी स्टेट करंट बताओ। दूसरा सवाल है बच्चा, फाइंड टाइम कांस्टेंट, ठीक है बच्चा? तीसरा सवाल है बेटा, फाइंड फाइंड टाइम टेकन, फाइंड टाइम टेकन टू ग्रो करंट टू 50% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है बेटा? मैक्सिमम वैल्यू का 50% होने में कितना समय लगेगा? तीसरा सवाल है बेटा, फाइंड फाइंड क्या, फाइंड टाइम टेकन, फाइंड टाइम टेकन, टाइम निकालना है बेटा, ठीक है? टू ग्रो करेंट, टू ग्रो करेंट फ्रॉम 25% टू 50% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, है ना बेटा? 50%, 25% से 50% तक का टाइम कितना लगेगा? नंबर डी, फाइंड पावर, फाइंड पावर अक्रॉस, फाइंड पावर अक्रॉस रजिस्टर
इंडक्टर एंड पॉइंट पावर अक्रॉस इंडक्टर रजिस्टर एंड सेल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड ड्रॉ देयर वेरिएशन, है ना बेटा, दोनों का ग्राफ भी ड्रॉ करना है। चलो करो, बनाओ बच्चा। किस बच्चा लिखा है, टेलीग्राम पर आपको डाउट सेंड करता हूं तो आप रीड नहीं करते हैं, और सर रिजो कोई डाउट क्लास नहीं लगाया है। क्या लिखा है, हमारा डाउट क्लियर नहीं होता है, इसलिए सर प्लीज आप संडे को डाउट क्लास लगा दिया करिए। वैसे भी आप ठीक है, ओके बच्चा, संडे को मैं डाउट क्लास लगा दिया करूंगा दो दो घंटे का। ओके डन फाइनल, संडे को प्रॉपर डाउट क्लास लगा दिया करूंगा दो घंटे का, एग्री। चलो बनाओ, हाँ डाउट क्लास लगा दूंगा, उस डाउट क्लास में जो पूछना है पूछना। गोलू का आंसर आ गया, बाकी बच्चे करो। हाँ बच्चा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, करो। वैष्णवी गायकवाड़ का भी आंसर आ गया, श्वेतांजलि का भी आंसर आ गया। अदिति का भी आंसर आया, 3025 का भी आंसर आया, रूपाली का भी आंसर आया, राणा लिखा सीसी टू टाइम्स मतलब क्या होता है जी, हर्ष वर्मा 3026 क्या लिखा है रे, के लिखा है 3035, गौरव नागर लिखा है लो वॉइस, आयुष राज सी डबल लिख दिया मैंने, ओके ओके सी डबल लिख दिया मैंने, ठीक है गड़बड़ हो गई मुझसे, 3025 का आंसर आया, अमन के, रमन कुमार शाह, पूरब रमन, यस सर 3025 का मतलब क्या है, 3025 का मतलब समझ ही नहीं रहा, हर्ष आ रहा है, लूसिफर लोड कर दिया बच्चा, मैं अपलोड कर दिया था लेक्चर, वो लास्ट का लेक्चर, कल का लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था, पूरब अभिमान, Thank you.
ओके चलो मैं बनाता हूँ आंसर मैच करना बच्चा, मैं बनाता हूँ बेटा। देखो सबसे पहला पूछा गया बेटा स्टेडी स्टेट करेंट, फिर पूछा गया टाइम कांस्टेंट, फिर पूछा गया टाइम टेकन टू ग्रो करेंट टू 50% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो बेटा ये सवाल तो है डी और ये सवाल है बेटा ई, है ना। देखा जाए तो देखो बच्चा स्टेडी स्टेट करेंट तो बहुत सिंपल है बच्चा, ये तो है ना डायरेक्ट फॉर्मूला। पहले वाले के लिए बेटा स्टेडी स्टेट करेंट जाई बाई आर, ये हो गया बेटा हमारा 2 एम्पियर। दूसरा पूछा गया बेटा हमें टाइम कांस्टेंट, ये बेटा एल बाई आर, एल बाई आर हमारा हो गया 20 बाई 5, 5 बाई 40, ये हो जाएगा 1/4, है ना बेटा 1/4 सेकेंड। नंबर थ्री हमारा क्या था बेटा 50% ग्रो करने में कितना समय लगेगा, है ना बेटा। तो देखो टी इक्वल टू क्या बताया था मैंने कल, टी इक्वल टू 2 ln I0 - I1 बाई I0 - I2, है ना बच्चा। तो देखो टाउ तो हमारा हो गया 1/4, टाउ हो गया बेटा हमारा 1/4, ln ऑफ कितना, ln ऑफ I0 - I1, तो बेटा I0 - 0 बाई 50%, तो I0 - I0 / 2, है ना बच्चा। तो ये हो गया ln 2 / 4 सेकेंड, है ना बेटा ln 2 / 4 सेकेंड, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है अब आते हैं बेटा फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट कहता है कि करंट हमारा 25% से 50% होने में कितना समय लगेगा। तो नंबर फोर के लिए बेटा टी इक्वल टू टाउ ln ऑफ फिर से वही I0 - I1 बाई I0 - I2, है ना बेटा, दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ln ऑफ I0 - I1। तो I0 - I1 कितना हो गया बेटा हमारा, I1 हमारा हो गया 25%, तो I0 / 4, है ना बच्चा, और ये I0 - I0 / 2। ठीक है बच्चा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, है ना बेटा 1/4 ln, ये हो गया बेटा 3 I0 / 4, है ना, और नीचे हो गया हमारा I0 / 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 1/4 ln 3/2, है ना बच्चा 1/4 ln 3/2 सेकेंड, है ना बेटा। ये हमारा आ गया आंसर नंबर 3। नंबर 4, अब नंबर 5 देखा जाए बेटा। हमें पूछा गया है कि हर किसी के अक्रॉस पावर फंक्शन ऑफ टाइम, है ना बेटा, हर किसी के अक्रॉस पावर फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो बेटा अब मैं ई वाला पार्ट करने जा रहा हूँ, 5 वाला पार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चा। तो देखो हम बोलेंगे बेटा करंट हमारा क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए I0 1 - e^(-t/τ), है ना बच्चा। I0 हमारा कितना है देखो 2 एम्पियर, तो ये हो गया बेटा हमारा 2 ऑफ 1 - e^(-40), है ना बेटा। तो अब देखो तो अगर कहें बेटा पावर अक्रॉस रेजिस्टर, है ना बेटा रेजिस्टर के अक्रॉस पावर, देखो तो रेजिस्टर के अक्रॉस थर्मल पावर ना होगा बेटा, रेजिस्टर के अक्रॉस थर्मल पावर I²R, तो I²R कितना हो जाएगा बच्चा, I² हो जाएगा 4 ऑफ 1 - e^(-40)² इंटू आर हो गया बेटा 20, है ना। तो ये हमारा कितना हो गया बच्चा, ये हो गया हमारा 80 ऑफ 1 - e^(-40)² है ना बच्चा। अब तुम सोच के बताओ समय के साथ ये वैल्यू क्या होगी बेटा, घटेगी ना, समय के साथ ये वैल्यू घटेगी बेटा, तो ये वैल्यू बढ़ेगी और ये वैल्यू बढ़ेगी बेटा, तो ये पूरी वैल्यू घटेगी। बोलो समय के साथ क्या होगा, करंट बढ़ता जाएगा ना बेटा, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने। अगर टाइम बढ़ेगा बेटा, समय बढ़ता जाएगा ना, समय बढ़ेगा तो ये -40, समय बढ़ेगा तो 1/40 ना बच्चा, ये घटता जाएगा बेटा समय के साथ, है ना।
समय के साथ ये घटेगा, समय के साथ ये घटेगा बेटा, तो ये पूरा समय के साथ बढ़ेगा, है ना बेटा। और स्टेडी स्टेट में आकर के ये हो जाएगा कांस्टेंट। इसका मतलब इसका वेरिएशन ड्रॉ करोगे, इसका वेरिएशन ड्रॉ करोगे बेटा, पावर अक्रॉस रजिस्टर वर्सेस टाइम, है ना बच्चा। तो पावर अक्रॉस रजिस्टर वर्सेस टाइम ऐसा बनेगा बेटा, ऐसा बनेगा, पावर हमारा हो जाएगा मैक्सिमम और फिर हो जाएगा बेटा कांस्टेंट, है ना। अब देखो बेटा अक्रॉस सेल, अक्रॉस सेल, तो सेल के अक्रॉस पावर क्या बोलेगा, पावर अक्रॉस सेल इक्वल टू बेटा जाई इंटू आई, है ना बेटा, जाई इंटू आई, जाई हमारा है 40, आई हमारा है बेटा इतना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 40। तो चलो बच्चा इसका देखिए वेरिएशन, इसका देखो वेरिएशन, पावर अक्रॉस सेल वर्सेस टी का ग्राफ, ये भी हमारा ऐसे ही बनेगा, ये भी हमारा क्या होगा बेटा, समय के साथ बढ़ता जाएगा, है ना, और मैक्सिमम वैल्यू देख ही रहे हो, ठीक है बच्चा। अब चलो करते हैं अक्रॉस इंडक्टर, है ना बेटा। अब देखा जाए इंडक्टर के अक्रॉस पावर कैसे वेरी करता है, है ना बेटा। तो देखते बेटा पावर अक्रॉस इंडक्टर, पावर अक्रॉस इंडक्टर क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडक्टर इंटू बेटा आई, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडक्टर इंटू आई। अब देखना बच्चा ये हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी इंटू आई, ना बेटा मेरे को स्पेस चाहिए, इसको मैं इरेज करूंगा तो बनाऊंगा, तुम पहले यहां लिख लो, ये गड़बड़ है क्या, हाँ सॉरी ये 80 होगा, ये 80 होगा बेटा, वन का कॉन्सेप्ट क्या है, वन का कॉन्सेप्ट क्या है, वो तो कल क्लास में करना था बेटा, फर्स्ट के कॉन्सेप्ट के लिए कल क्लास करना था ना, कल तो बताया था बच्चा ये सब। साकेत बोलो सर, ये थर्ड वाले में सर आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टॉ भी तो लगा सकते हैं ना सर, वही तो है ये थर्ड वाला, वही हाँ वही फॉर्मूला है बेटा, ये बस अंतर ये है आई नॉट वाले में जीरो से आई के लिए होता है बच्चा, जीरो हाँ यस सर, हाँ ये सब के लिए हो गया है ना। जमील क्या लिख रहा है, 20% का मतलब आई बाई फाइव होता है, तो 20% की बात कहीं की क्या हमने किसी क्वेश्चन में, वो तो की नहीं, 25 to 50 था बेटा, जमील चेक करो। अजय, अजय बोलो, चल देख बच्चा, अब मैं इसकी बात करूं अक्रॉस पावर अक्रॉस इंडक्टर का, तो देखना बेटा पावर अक्रॉस इंडक्टर के लिए, पावर अक्रॉस इंडक्टर के लिए बेटा एल, एल था बेटा हमारा 5 हेनरी, एल था बेटा हमारा 5 हेनरी, है ना, इंटू 5 इंटू डी आई बाई टी, तो देख बेटा डी आई अपॉन डी टी कर ले, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा बेटा 0 माइनस ऑफ माइनस 4 इंटू ई टू दी पावर माइनस 40, है ना बेटा, इंटू इंटू बेटा करेंट आई, इंटू करेंट आई, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, देखो ये हुआ 5 इंटू 2 इंटू 4, ये हो गया बेटा 40, 40 इंटू 2, तो ये हो गया बेटा 80, ये हो गया बेटा 80 ई टू दी पावर माइनस 40 इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 40, बोलो बच्चा, ठीक है ना। तो देख बेटा इंडक्टर का पावर में जो टाइम का फंक्शन आया है ये बाकी सबके फंक्शन से डिफरेंट आया ना बच्चा, है ना। तुम ग्राफ को गौर से देखोगे तो पाओगे बेटा कि पावर अक्रॉस इंडक्टर में मैक्सिमा आएगा बच्चा, पावर अक्रॉस इंडक्टर में मैक्सिमा आएगा, है ना। सोचो कैसे, तो देखो बच्चा इनिशियल कंडीशन में जब तुम इंडक्टर को सर्किट में जोड़ते हो तो करंट जीरो होता है बच्चा, बोलो, सर्किट को इंडक्टर में जोड़ते हो तो करंट जीरो होता है, इसका मतलब पावर जीरो, है ना बेटा, ठीक है। और फाइनली स्टेडी स्टेट में आने के बाद बीएल, बीएल जीरो हो जाता है बच्चा, स्टेडी स्टेट में आने के बाद ये भी जीरो हो जाएगा, पहले हमारा ये जीरो था,
इसका मतलब बेटा पावर जो है स्टार्टिंग में जीरो है और एंड में जीरो है, इसका मतलब पावर इंक्रीज किया और एक मैक्सिमा से पास किया और फिर वापस जीरो हो गया। ठीक है बच्चा, तो देखो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर से पास करेगा ना बच्चा। इंडक्टर का पावर टाइम के फंक्शन में करोगे तो बीच में किसी मैक्सिमा से पास करेगा, ये है ना, बीच में कहीं मैक्सिमा से पास करेगा, समझा बच्चा। अब आती है बात कि मैक्सिमम कितना पावर होगा, मैक्सिमम कितना पावर होगा, तो वही कॉन्सेप्ट लगाओ जो रेजिस्टेंस में था, सही लिखा है मेहुल ने, जाई स्क्वायर बाई फोर आर, याद आया मैक्सिमम पावर कंडीशन, मैक्सिमम पावर कंडीशन याद आया बेटा, किसे पढ़े थे हम लोग करंट में, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना बच्चा, तो क्या हो जाएगा जाई स्क्वायर बाई फोर आर, है ना बेटा, लिख लो, नोट कर ले बच्चा। सत्य प्रकाश का स्पीड बहुत कम आ रही है, इसकी स्पीड आ रही है 12 kbps। इंसुलेटर की तरह ट्रीट कब करेंगे बच्चा, इनिशियल कंडीशन में, है ना, हाँ करेंगे बच्चा, करेंगे दो करेंगे, ऐसा इंतजार करो। फिफ्थ वाले में दिक्कत आ रही है, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो बच्चा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल पहले इस वाले में इसकी वैल्यू पुट की बच्चा, ठीक है, सिंपल इसकी वैल्यू पुट की, उसके बाद मैंने क्या देखा, उसके बाद मैंने देखा बेटा कि देखो ये फंक्शन ऐसा बन गया। अगर तुम फंक्शन को देख के पहचान गए तो बहुत अच्छी बात, और नहीं पहचाने तो भी देखो इनिशियल कंडीशन है बेटा, इंडक्टर में करंट जीरो होता है, इनिशियल कंडीशन में इंडक्टर में बेटा करंट जीरो होगा, है ना, और स्टेडी स्टेट में वोल्टेज जीरो, है ना, तो पहले भी जीरो पावर और एंड में भी जीरो पावर, तो पावर मैक्सिमा कब आएगा बेटा, बोलो सुनो, पहले भी जीरो बाद भी जीरो, लेकिन बेटा बीच में जीरो नहीं है, इसका मतलब पावर पहले इंक्रीज किया और फिर डिक्रीज किया तो मैक्सिमा से क्रॉस किया, है ना। अब बात है कितना आएगा और कैसा आएगा, कितना आएगा के लिए इसमें लगा दो बेटा मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट, सिंपल डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करके इसको जीरो पुट कर दो, तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है बच्चा, डिफरेंशिएट करके जीरो पुट कर दोगे डीपी अपॉन डीटी बराबर जीरो, तो आ जाएगा बेटा आंसर, और क्या आएगा आंसर, यहां आएगा बेटा टाउ एल एन टू, इस समय पावर मैक्सिमम होगा, ठीक है। रुके रुके रुके, क्या हुआ, इसको रोक रहा है रे, इरेज कर रहा हूं बच्चा, हाँ ये सब टाइम पहले वाला ही आ रहा है, सही बात है, कैपेसिटर से बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैच करेगा बेटा, इसमें कैपेसिटर से बहुत सारे वाले कॉन्सेप्ट मैच करेगा, बहुत सारे रिजल्ट भी मैच करेगा, है ना, तो इसका मतलब उस तरह के क्वेश्चन, सिंपल चार्जिंग वार्जिंग वाले क्वेश्चन करके कुछ खास फायदा नहीं है बच्चा, ठीक है। चलो देखो अगला सवाल, देखो बेटा अगला सवाल दे रहा हूं तुम्हें, मल्टीपल रेजिस्टेंसेस वाले, देखो सवाल है बेटा ऐसा कि इसमें एक रेजिस्टेंस हो गया ये हमारा बेटा 10 ओम का, इसके नीचे एक इंडक्टर और इसके साथ एक और रेजिस्टेंस, है ना, ये भी हमारा 10 ओम का, ये भी हमारा 10 हेनरी, और यहां से एक और रेजिस्टेंस आया बच्चा, यहां से एक और रेजिस्टेंस आया, और ये भी रेजिस्टेंस हमारा है बेटा 10 ओम का, यहां से एक सेल लगा, यहां से एक सेल लगा, और ये हमारा एक स्विच, सेल हमारा बेटा 40 वोल्ट का, ठीक है। तो सवाल कहता है फाइंड
करंट थ्रू ईच ब्रांच, हर ब्रांच से करंट निकालो, है ना, एज ए फंक्शन ऑफ, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, समय के फंक्शन में हर ब्रांच से करंट निकालो बच्चा, करो ट्राई करो बेटा। ट्राई करो बच्चों, हाँ बेटा कर देंगे अपलोड, बनाओ इसको। इंडक्टर का भी रेजिस्टेंस होता है, सही बात है। आज रसोड़े में कौन था, क्या लिखा है भाई, जेई मेंस हमारा कब होगा? अभी पहले क्वेश्चन कर उपेंद्र, पहले क्वेश्चन कर,
इंडक्टर के साथ भी कोई इंस्ट्रूमेंट होता है क्या? हाँ होता है बच्चा। चलो आंसर लिख नहीं पाओगे तुम, दिक्कत होगी लिखने में। मैं करता हूं बेटा, मैच करो आंसर। तो देखो बेटा, इस सवाल को करने के लिए मैंने नोट्स में एक पॉइंट कर लिखवाया तुमको था, मैंने नोट में करके एक पॉइंट लिखवाया था, है ना बच्चा? नोट में करके पहले पॉइंट लिखवाया तुमको था मैंने, क्या? देखो कि सबसे पहले काम क्या करना होता है बेटा, स्टेडी स्टेट करंट पता करना होता है ना, ठीक है? तो देख बेटा, स्टेडी स्टेट में आ गया, स्टेडी स्टेट में आ गया बेटा, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? करंट हमारा आई नॉट। सुनना ध्यान से बच्चा, जब इसमें करंट आएगा बेटा आई नॉट, तो देख बच्चा इसमें भी करंट हमारा होगा आई नॉट। स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूं मैं स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूं बच्चा, है ना? स्टेडी स्टेट में यहाँ करंट आई नॉट होगा बेटा, तो यहाँ भी करंट आई नॉट होगा, है ना? तो इसमें देख बेटा, इसमें करंट हमारा होगा बेटा टू आई नॉट। समझ गया ना बात? ये देख लो अच्छे से, स्टेडी स्टेट में आएगा बेटा तो ये बन जाएगा कंडक्टर, और अगर ये बन गया बेटा कंडक्टर तो ये दोनों है पैरेलल में, है ना? और दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है, तो फिर दोनों में करंट हमारा सेम आएगा बेटा, तो ये आई नॉट यहाँ हो गया बेटा टू आई नॉट, है ना? स्टेडी स्टेट में अब इस लूप में घूम जाना तो कितना हो जाएगा? टू आई नॉट इंटू टेन, ये हो गया 20 आई नॉट प्लस 10 आई नॉट, ये हो गया बेटा 30 आई नॉट। 30 आई नॉट इक्वल टू 40। इसका मतलब बेटा स्टेडी स्टेट करंट आ गया हमारा कितना? ये आ गया 40/30 इक्वल टू 4/3 एम्पियर, है ना बच्चा? स्टेडी स्टेट करंट तुम्हारा आ गया बेटा 4/3 एम्पियर। फिर मैंने क्या कहा था अगला स्टेप कहा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस? तो इंडक्टर के दोनों पॉइंट के अक्रॉस, है ना बच्चा? तो देखो इंडक्टर के दोनों पॉइंट के अक्रॉस, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कहना कि यहां से इसको काट दो और ऐसे बाहर खोल दो, है ना बच्चा? इसको यहां से ऐसे काट के बाहर निकाल दो और इसको ऐसे खोल दो, है ना बच्चा? जब इसको ऐसे खोल दोगे तो पूरे का निकालना है बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना बच्चा? इंडक्टर का इक्विवेलेंट कितना आएगा? देखो 10 और 10 हो जाएगा बेटा 5, और 5+ हो जाएगा 10, ये हो जाएगा बेटा हमारा 15 ओम, है ना? तो इस तरह से टाइम कांस्टेंट क्या हो गया बेटा? एल बाई आर इक्विवेलेंट, एल हमारा बेटा 10 और ये 15, ये हो जाएगा 2/3 सेकेंड, बोलो बच्चा, ठीक है? अब देखो, अब कहना करंट थ्रू इंडक्टर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला, है ना बच्चा? करंट थ्रू इंडक्टर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला, है ना बेटा? चलो मान लेते हैं इस वाले में फंक्शन ऑफ टाइम का करंट आई वन है, तो इसमें बेटा फंक्शन ऑफ टाइम का करंट आई वन मान लो, तो आई वन हमारा क्या हो जाएगा? तो आई नॉट इंटू 1 - e^(-t/τ), तो कितना हो गया बेटा? आई नॉट हमारा हो गया 4/3, ये हो गया बेटा 4/3 1 - e^(-t/τ). t/τ कितना बेटा? तो t/τ हो जाएगा 3t/2 -3t/2, ठीक है बच्चा? अब चलो आई नॉट 8/3 आ रहा है, कैसे? 2 × 120, 20 + 10, 30 इक्वल टू 40, ठीक है बच्चा? 4/3 आएगा, इसमें आएगा 8/3, स्टेडी स्टेट करंट बेटा 8/3 इसमें आएगा, 8/3 यहां से आया तो 4/3 इसमें, 4/3 इसमें, ठीक है बच्चा? आगे चलो, आई वन हमारा आ गया बेटा इतना, इसमें आ गया बेटा करंट हमारा आई वन, है ना बच्चा? अब देखो इसमें अगर आई वन मान लो बच्चा, है ना, तो चलो इसमें मान लिया मैंने आई टू, इसे मैंने मान लिया बेटा आई टू, और अब इस लूप में घूम जाओ, ठीक है? उस लूप में घूमोगे तो क्या लिखोगे? इसको बोल दिया मैं लूप वन, ठीक है? तो देखते बच्चा लूप वन में क्या लिखेगा, लूप वन में लिखेगा -i2 × 10 - i2 × 10, इधर से आओ -i1 × 10, है ना बेटा? फिर इससे क्या हो -10 di1/dt = 0, ठीक है बच्चा? तो -10 i2,
आई टू इज इक्वल टू, इसको उधर ले चलो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आई टू इक्वल टू माइनस आई वन माइनस डी आई वन बाई डी टी, है ना बच्चा, देख लो इसको उधर ले गया और 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है बच्चा, तो कितना हो जाएगा देखो माइनस आई वन, माइनस आई वन कितना बच्चा, ये हो गया माइनस फोर बाई थ्री, माइनस फोर बाई थ्री वन माइनस ई टू दी पावर माइनस थ्री टी बाई टू, है ना बच्चा। अब देखो माइनस, अब माइनस देखो माइनस में इसी का डिफरेंसिएशन, इसका डिफरेंसिएशन फोर बाई थ्री इंटू जीरो माइनस ऑफ माइनस थ्री बाई टू ई टू दी पावर माइनस थ्री टी बाई टू, ठीक है बच्चा। तो कितना आ गया हमारा I2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चा, देखो कितना माइनस फोर बाई थ्री इंटू वन, ये हो गया हमारा माइनस फोर बाई थ्री, ठीक है बच्चा। माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, प्लस कितना हो गया, प्लस हो गया फोर बाई थ्री ई टू दी पावर माइनस थ्री टी बाई टू, है ना बच्चा। अब देखो माइनस प्लस माइनस, ये हो गया बेटा माइनस कितना, देखो फोर बाई थ्री इंटू थ्री बाई टू, ये हो गया बेटा टू, टू इंटू ई टू दी पावर माइनस थ्री टी बाई टू, है ना बच्चा। तो ये हो गया हमारा माइनस फोर बाई थ्री माइनस ऑफ टू माइनस फोर बाई थ्री, ये हो गया बेटा टू बाई थ्री, टू बाई थ्री ऑफ ई टू दी पावर माइनस थ्री टी बाई टू, ठीक है बच्चा, है ना। अब देखो अब हमारा बेटा ये आई वन हो गया, तो इसमें आई टू हमारा क्या हो जाएगा, इसने हमारा आई टू, आई टू ने इसमें आई मान लो, इसमें मान लिया मैंने आई, तो क्या होगा बच्चा आई बराबर, आई बराबर करंट क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा आई वन प्लस आई टू, इसका मतलब ये रहा बेटा आई वन और ये रहा आई टू, दोनों को ऐड करो तो देखो बच्चा फोर बाई थ्री कट जाएगा, है ना। और देखो माइनस फोर बाई थ्री और माइनस टू बाई थ्री, ये हो जाएगा माइनस सिक्स बाई थ्री, इसका मतलब टू ई टू दी पावर माइनस थ्री बाई टू, समझे बच्चा। केबीएल के इक्वेशन में साइन गलत है, कैसे देखूं, ऐसे आया, ऐसे आया उल्टा आ गया ना, सही, सॉरी सॉरी, यहां से उल्टा आएंगे बेटा तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, है ना, ये भी हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, ठीक है बच्चा। इसका हमारा हो जाएगा प्लस, तो सब हो जाएगा बेटा प्लस, तो फिर हमारा यहाँ पे भी आएगा ये प्लस फोर बाई थ्री, है ना बच्चा, ये माइनस, ये माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, और जब इसमें ऐड होगा तो फोर बाई थ्री प्लस फोर बाई थ्री, ये हो जाएगा बेटा एट बाई थ्री, एट बाई थ्री के बाद फोर बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री, तो माइनस टू बाई थ्री ई टू दी पावर माइनस थ्री डी बाई टू, ठीक है। देखो कैलकुलेशन, अब चेक कर लो कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन सही है बच्चा। इलिका सर फिर से समझा दीजिए, तुम्हारे पास तो माइक ही नहीं है, कैसे बोलूंगा मैं, सिद्धिका बोलो तुम। सर इसको ना मैंने ऐसे किया था कि दोनों में आई नोट करंट जा रहा था ना, हाँ हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि जो सेकेंड लूप है जो आपने बोला आई टू करंट वाली, उसमें I इक्वल टू I नॉट इनटू वन माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ, किस वाले में, ऊपर वाले में, हाँ सही है ना, सेम ही है ना, इक्वल ऊपर वाले में, हाँ सर, मतलब ऊपर तुम इक्वेशन लगा दी डीके करंट का, कर दिया डीके वाला इक्वेशन लगा दिया वहाँ पे, नहीं सर, तो आपने आपने तो लूप से किया अभी जो सेकंड मेथड किया आपने, आई वन तो मैं निकाला डायरेक्ट, I1 निकला डायरेक्ट और I2 निकाला मैं लूप में जा करके, तुम कैसे निकाली I2, मैंने I2 भी डायरेक्ट निकाला तो उससे गलत कैसे लिखा, I2 इक्वल टू I0 इनटू 1 माइनस e की पावर माइनस t बेटा, कैसे कर सकती है बेटा, वो फार्मूला तो इंडक्टर के लिए था ना बेटा, अच्छा और किसी लूप में, मैंने करंट थ्रू इंडक्टर लिखा भी, देखो मैंने बेटा ये सिर्फ करंट थ्रू इंडक्टर के बारे में बोल सकती हो, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती, अच्छा तुम देख लो तुम्हारा रिजल्ट भी डिफरेंट होगा इससे, ये तुम्हारा नहीं आ रहा होगा, डिफरेंट आ रहा है, आईएनडीएच बोल रहा है, फिर समझा दें,
देख बच्चा शुरू से वापस देखो स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से देखो बेटा, सबसे पहले स्टेडी स्टेट करंट कैसे निकाला है स्टेडी स्टेट बच्चा, मैंने कहा कि देखो स्टेडी स्टेट में ये हो जाएगा कंडक्टर बेटा, और जब ये बन गया कंडक्टर तो ये दोनों हो गया बेटा पैरेलल में, पैरेलल में है और रेजिस्टेंस भी सेम है, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम तो होता ही है बच्चा, पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस भी सेम हो गया तो करंट भी दोनों में सेम हो जाएगा स्टेडी स्टेट करंट, है ना। स्टेडी स्टेट करंट हमारा हो गया आई नॉट और यहाँ आई नॉट, तो ये आई नॉट तो यहाँ से हो गया टू आई नॉट, है ना बेटा। अब ये बन चुका है बेटा इंडक्टर, अब इस पूरे लूप में घूम जाओ, इस पूरे लूप में घूम जाओ, कैसे लिखोगे माइनस टेन इंटू टू आई नॉट, फिर यहां से आए माइनस टेन इंटू आई नॉट, फिर यहां से आए प्लस 40 इक्वल टू जीरो, इससे निकल गया बेटा मेरा आई नॉट, ये हो गया पहला स्टेप, है ना। अब दूसरा स्टेप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस, तो याद रखना इंडक्टर के अक्रॉस, तो इंडक्टर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि देखो इंडक्टर के दोनों पॉइंट के अक्रॉस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या किया मैंने, यहां से काट के इसको निकाल दिया, यहां से काट के निकाल दिया और इसका एक पॉइंट ऐसे खींच लिया और ये वाला पॉइंट को अगर ये पॉइंट मतलब क्या कहोगे, ये 10 ओम और ये 10 ओम हो जाएगा बेटा पैरेलल, ये हो जाएगा 5। आवाज नहीं आ रहा अभी, ये माइक तो ऑन है बच्चा, आवाज आ रही है ना, देखो देखो बच्चा, तो ये हमारा 10 और 10 हो गया बेटा पैरेलल, तो ये हो गया 5, है ना बच्चा, ये हो गया 5, ये पूरा बन गया 5 और साथ में हो गया बेटा 10, ये सीरीज में, तो 5 और 10 हो गया 15, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया बेटा मेरा 15 ओम, है ना। तो टाउ निकाल लिया मैंने, एल बाई आर इक्विवेलेंट, ये टाउ निकल गया, है ना। अब देखो बेटा लिखा करंट थ्रू इंडक्टर, इंडक्टर के करंट के लिए, तो इंडक्टर के करंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, I बराबर I नॉट 1 माइनस e पावर माइनस t बाई tau, I नॉट निकाल चुके हैं, tau निकाल चुके हैं, पुट किया तो I1 निकल गया, तो देख बच्चे जब I1 निकल गया मेरा तो इस लूप में घूम गया तो I2 निकल गया, फिर I1 और प्लस I2 इज इक्वल टू I, तो इसमें I निकल गया, ठीक है बच्चा लिख ले। नोट कर ले बच्चा, चलो अब इरेज कर रहा हूं बेटा, अब चलो देखो, अब देखो बच्चा एलसी ओसिलेशन, एलसी ओसिलेशन है ना, तो जैसा बेटा नाम है, जैसा बेटा नाम है बिल्कुल वैसा ही काम है ना बेटा, जैसा इसका नाम है बिल्कुल वैसा ही काम है, ठीक है बेटा। नाम कैसा, नाम क्या दिख रहा है, एल सी ओसिलेशन, है ना बेटा। एल क्या हुआ, इंडक्टर, सी क्या हुआ, कैपेसिटर, है ना बेटा। तो इंडक्टर और कैपेसिटर में एनर्जी का ओसिलेशन, है ना बच्चा। तो देखो अगर मान लो बेटा कि हमारे पास कोई भी एक इंडक्टर हो बच्चा, है ना, और कोई भी एक कैपेसिटर हो, है ना, अगर इसको आपस में जोड़ दें, ये कैपेसिटर और एक इंडक्टर, है ना, तो बोलो बेटा इसमें हमारा इंडक्टर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलो
इंडक्टर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, है ना बेटा। और कैपेसिटर का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, है ना बेटा। अब सोच के बताओ ये एनर्जी स्टोर करता है या वेस्ट करता है, बोलो बेटा। इंडक्टर एनर्जी वेस्ट करता है या स्टोर करता है, इंडक्टर देखो बेटा, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं वेस्ट और बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं स्टोर। पहले बात समझो, अगर वेस्ट करोगे, अगर तुम्हारे पास अगर पैसे स्टोर करने की प्रॉपर्टी है तो तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए ना बच्चा, बोलो है कि नहीं, ताकि तुम कहीं और इस्तेमाल कर सको, ठीक है। और अगर तुम्हें पैसे वेस्ट करने की हैबिट है बेटा, तो तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं होंगे, मतलब बाद में तुम उस एनर्जी को कहीं यूज नहीं कर पाओगे, है ना बेटा, ठीक है। तो अब सोचो क्या कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है कि वेस्ट करता है, बोलो बेटा। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है ना बेटा, क्योंकि अगर इसके पास, कैपेसिटर के पास अगर एनर्जी का फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, इसका मतलब एनर्जी है उसके पास, है ना बेटा। इंडक्टर में भी एनर्जी का फॉर्मूला है ना बेटा, हाफ एल आई स्क्वायर, इसका मतलब उसके पास भी एनर्जी होता है, बोलो। इंडक्टर के पास भी एनर्जी होता है और कैपेसिटर के पास भी एनर्जी होता है, तो याद रखना ये दोनों बेटा एनर्जी स्टोर करता है ना, लेकिन रेजिस्टेंस में बेटा एनर्जी का फॉर्मूला नहीं होता, उसमें पावर का फॉर्मूला होता है। पावर का मतलब कितनी तेजी से खर्च करना या कितनी तेजी से जमा करना, पावर दोनों हो गया, है ना बेटा। तो पावर मतलब कितनी तेजी से खर्च करेगा या कितनी तेजी से जमा करेगा, है ना बच्चा। तो इंडक्टर में, कैपेसिटर में एनर्जी का फॉर्मूला है बच्चा, इसका मतलब एनर्जी जमा होता है, लेकिन बेटा रेजिस्टेंस में एनर्जी जमा नहीं होता है, वो एनर्जी वेस्ट करता है ना बेटा। तो अब सोचो इस सिस्टम में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है बच्चा जो एनर्जी वेस्ट करता हो, है ना बेटा। इसमें ऐसा कोई भी सिस्टम में मेंबर नहीं है बेटा जो एनर्जी वेस्ट करेगा, है ना बेटा। ये बात को ध्यान रखना कि मैंने जो इंडक्टर लिया है बेटा, ये भी इंडक्टर मेरा आइडियल है ना, और ये कैपेसिटर भी मेरा आइडियल है, दोनों कैपेसिटर आइडियल है, ये मानो अगर, है ना। तो क्या लिखोगे पहला पॉइंट, नो मेंबर हेयर डिसिपेट मतलब वेस्ट, है ना बेटा, डिसिपेट एनर्जी, है ना बेटा। कोई भी मेंबर यहां एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा, है ना बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी ऑफ सिस्टम will remain conserved, है ना बेटा। एनर्जी क्या होगी इसमें, हमेशा कंजर्व रहेगी, एनर्जी बेटा हमेशा कंजर्व रहेगी, है ना बेटा। इसका मतलब एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ इंडक्टर, ये हमेशा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा, है ना, ये कभी बदलेगा नहीं, ठीक है बच्चा। अब सोचो आगे, अब कहोगे बेटा कि एनर्जी वेस्ट तो नहीं होगा, बात समझ में आ गया हमको। अब बताओ ये जो एनर्जी स्टोर करता है बेटा, वो एनर्जी कहाँ स्टोर करता है, तो कहोगे मैग्नेटिक फील्ड में, ये एनर्जी स्टोर करता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड में, और ये एनर्जी स्टोर करता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना बेटा, ठीक है। ये हमारा एनर्जी स्टोर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, ये स्टोर करेगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कभी एनर्जी इसके पास होगी और कभी एनर्जी इसके पास होगी, एनर्जी बेटा इन दोनों के बीच में ओसिलेट करता रहेगा, है ना, बात समझा। आइडियल मतलब कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है बच्चा, रेजिस्टेंस कहीं नहीं है। तो लिखा ना नो मेंबर हेयर डिसिपेट एनर्जी, एनर्जी को डिसिपेट करने वाला कोई नहीं है, जब एनर्जी को डिसिपेट करने वाला कोई नहीं है, है ना, तो इस परिवार का जो पैसा होगा बेटा इन्हीं दोनों में रह जाएगा, कभी वो एनर्जी आएगी कैपेसिटर के पास, कभी वो एनर्जी आएगी बेटा इंडक्टर के पास, है ना। तो अगला पॉइंट क्या कहोगे बेटा, अगला पॉइंट कहोगे एनर्जी ओसिलेट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एनर्जी जो है बेटा हमेशा ओसिलेट करती रहेगी, इसलिए इसका नाम है एलसी ओसिलेशन। इसलिए इसका नाम बेटा है एलसी ओसिलेशन, है ना? याद है ना, इंडक्टर क्या होता है बेटा? कोई भी कॉइल, है ना? जैसे कि मैंने तुमको सोलेनोइड लेके बताया था कि अगर कोई सोलेनोइड है, अगर उसमें करंट है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, है ना बच्चा? करंट है तो एनर्जी है, करंट नहीं है तो एनर्जी नहीं है। इसका मतलब उसका एनर्जी उसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही एसोसिएटेड है, है ना बेटा? और एनर्जी के डेंसिटी का फॉर्मूला तुमको बताया था मैंने बेटा, क्या बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट इसके लिए, और हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इसके लिए, है ना बच्चा? तो एनर्जी इन दोनों के बीच में बेटा ओसिलेट करते रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, एलसी ओसिलेशन। इसलिए इसका नाम क्या है, एलसी ओसिलेशन। क्यों नाम है? तो कहोगे एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ओसिलेट करता रहेगा। ठीक है बच्चा, आगे देखो। अब अगर इस लूप में जाओ, अब कहते हो बेटा इन लूप, तो अगर इस लूप में जाओगे, है ना बेटा, तो मान लिया मैंने किसी भी एक खास इंस्टेंट पे, मान लिया बेटा इसके ऊपर चार्ज हमारा Q है और इसमें हमारा करंट I है, तो इस लूप में जाओगे तो क्या लिखोगे? लिखोगे यहां से ऐसे जाएंगे, ऐसे लिखेंगे माइनस एल डी आई बाई डी टी, इधर से आए तो लिए माइनस, माइनस प्लस हो गया, Q बाई सी इज इक्वल टू जीरो, है ना बेटा? तो क्या हो गया मेरा, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई एल सी इंटू क्यू, है ना बच्चा? अब इस डायग्राम को देख के बताओ, ये है चार्ज और ये है करंट, है ना? इस डायग्राम को देख के बताओ बेटा, ये चार्ज इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? ये करंट को देखो और चार्ज को देखो, बोलो ये चार्ज डिक्रीज कर रहा होगा बेटा या इंक्रीज कर रहा होगा? डिक्रीज कर रहा ना बेटा। इसका मतलब इस डायग्राम में आई जो है ये माइनस डी क्यू बाई टी है बेटा, आई हमारा माइनस डी क्यू बाई टी है ना, क्योंकि ये चार्ज डिक्रीज कर रहा है ना बेटा। अब इसको यहां इस्तेमाल कर लो तो क्या हो जाएगा, माइनस डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई एल सी इन टू क्यू। इसका मतलब बेटा डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू वन बाई एल सी इन टू क्यू, है ना बेटा? बोलो ठीक है ना बच्चा? अब याद करो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या कहते हो बेटा, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कहते हो ना बच्चा, है ना? और बोलो एक्सेलरेशन क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में? एक्सेलरेशन का मतलब होता है बेटा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। बोलो एक्सेलरेशन इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको देख बच्चा और इसको देख बच्चा, दोनों इक्वेशन बिल्कुल एक जैसा है ना? इसलिए क्या कहोगे कि ये वेरिएशन कैसा है? तो कहेंगे सिंपल, सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक वेरिएशन, है ना बच्चा? ये सिंपल हार्मोनिक वेरिएशन है बेटा, है ना? जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेरी करता है बच्चा, उसी तरह से हमारा यहाँ पे चार्ज वेरी कर रहा है ना? लिख लो। हाँ बच्चा, अगर एक्सचेंज कर दूंगा ना, अगर मैं इसको एक्सचेंज कर दूं, यहाँ प्लस कर दूं, यहाँ माइनस कर दूं, तो ये हो जाएगा प्लस। लेकिन जब लूप में घूम के आएंगे तो यहाँ अगर प्लस होगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस। मतलब घूम फिर के तेरा यही इक्वेशन आने वाला है, चाहे जैसे ही कर तू, है ना बच्चा? अमन बोलो सर, इसमें नेगेटिव क्यों हुआ? कौन सा क्यों हुआ नेगेटिव? सर I equals to minus dq by dt, करंट समझ में आया? इंक्रीज कर रहा बच्चा। सर आइडियल के अंदर तो करंट तो कांस्टेंट रहना चाहिए ना, किसमें आइडियल माना है ना सर? सर आपने कहा था ना कि ओसिलेशन कर रहा है, तो आइडियल के अंदर तो करंट कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर कोई बाहर से कुछ थोड़ी ना लग रहा है।
तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता बेटा, इतना गंदा सोचोगे तो कुछ नहीं कर सकते हम, सॉरी। शुभम तुम बोलो। सर वो SHM एक बार फिर से बता दीजिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सीलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है? यस सर। और एक्सीलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में कैसे कहोगे? संकेत स्टॉप। बोलो शुभम। यस सर, डी स्क्वायर एक्स बाय डीटी स्क्वायर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है ना? यस सर। ठीक, और वैसा ही इक्वेशन यहाँ बना है, देखो तो। जी सर। तो दोनों का क्या हुआ, दोनों इक्वेशन एक जैसा हुआ ना बेटा? यस सर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट वेरी करता है टाइम के अनुसार, यहाँ चार्ज वेरी कर रहा है टाइम के अनुसार। यस सर, समझ गए। ठीक है, जल्दी लिखो बच्चा। अभिषेक पूछ रहा है हाउ दे विल स्टोर एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। अभिषेक बता दिया मैंने बात ये, अगर तुम्हें नहीं सुना तो वीडियो दोबारा देख लेना। हाँ समृत, बिल्कुल सही है, टाइम पीरियड होगा टीपा भाई ओमेगा। जल्दी लिखो बच्चों। सुमित बोलो। सर ये इसमें जैसे इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है, जब इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो जो एनर्जी जो बची होती है वो कहाँ चली जाती है? स्पार्किंग। स्पार्किंग सुना है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्पार्किंग होती है ना? जी सर। इसी के वजह से होती है, जब सडनली एनर्जी वो रिलीज कर देगा अपना। ठीक है सर। गौरव सर वो आपका टेलीग्राम लिंक भेज दीजिए सर प्लीज। तुमको मैंने कहा बेटा, दो तीन बच्चे मुझे टेलीग्राम में मैसेज किए, उनको मैं ऐड भी किया था। तुम टेलीग्राम पे मैसेज करो ना बेटा। नहीं सर अभी तो। यस सर। अभी नहीं, तुम टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना, मैं तुमको ऐड कर लूंगा। ठीक सर, वो आपके नंबर नहीं है सर, आपके नंबर नहीं है। भेजता हूँ बच्चा। भेज दिया। संकेत बोलो। सर ये जो सर टाइम सर, हाँ बोलना सर, ये जो उसमें तो सर SHM में तो सर पार्टिकल्स का टाइम पीरियड होता था, तो मतलब उसका इसमें सर टाइम पीरियड से क्या समझते सर? बेटा जैसे मान लो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था बेटा, पार्टिकल का नहीं, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का, पार्टिकल के मोशन का, है ना? यस सर। ठीक है, तो मोशन का मतलब क्या हुआ? पोजिशन का बदलना। मोशन का मतलब क्या होता है बोलो? पोजीशन का चेंज करना, है ना? वहां समझो, वहां मोशन में पोजीशन चेंज कर रहा है, यहाँ समझो चार्ज चेंज कर रहा है। अच्छा बोलो, ये बात समझे? वहां पे मोशन में पार्टिकल की पोजीशन चेंज कर रही है बेटा। अब वहां पोजीशन नहीं समझो, यहाँ किसी बॉडी का चार्ज वेरी कर रहा है। ठीक है। अच्छा ठीक, चल देख बच्चा। तो इस कंडीशन में अभी देखिए बताओ, जो मेरा ओमेगा स्क्वायर है बेटा, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया बच्चा? 1/LC, है ना बेटा? इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2π√LC। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 1/2π√LC। बोलो बच्चा, है ना? ठीक है बच्चा। और सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा बेटा? याद करो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। याद आया बच्चा? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहां भी हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू कहना क्यू नॉट हो गया बेटा एम्पलीट्यूड, इंटू क्या होगा साइन, इंटू ओमेगा, ओमेगा ये वाला ओमेगा, ओमेगा टी प्लस फाइव। वहां मैंने फाइव लिखा था ना बेटा, चलो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं साई, क्योंकि फाई हम लोग यूज कर चुके हैं ना, फाई हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स में इस्तेमाल कर चुके हैं, तो यहाँ मैंने टर्म यूज किया बेटा साई। ठीक है बच्चा, ये गलती हो गया।
वन बाई टू पाई रूट एल सी। ठीक है बच्चा, तो बोलो चार्ज निकल गया तो करंट निकल जाएगा बच्चा, बोलो है ना, चार्ज निकल जाएगा तो करंट निकल जाएगा बच्चा, बोलो है ना, करंट चार्ज को डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो करंट मिल जाएगा ना हमको, तो क्या हो जाएगा बोलो, I is equal to हो जाएगा बेटा dQ/dt, तो कितना हो जाएगा माइनस सॉरी Q naught omega cos of omega t plus psi, है ना बेटा omega t plus psi। ठीक है बच्चा, अब नोट करने वाली बात यहाँ क्या क्या आई देखो बच्चा, बोलो चार्ज का एम्पलीट्यूड हमारा क्या हो गया बेटा, चार्ज का एम्पलीट्यूड हमारा क्या हो गया Q naught हमारा क्या है मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, है ना बेटा, I naught जो हमारा है वो कितना है बेटा Q naught ओमेगा, ये क्या है, ये है मैक्सिमम करंट, है ना बच्चा, और समझो ये है बच्चा साइन फंक्शन और ये है बेटा कॉस फंक्शन, इसका मतलब क्या है, तो कहोगे करंट जो है बच्चा वो लीड कर रहा है ना, लीड्स चार्ज, चार्ज को लीड करता है बाई पाई बाई टू, है ना बेटा। ठीक है, अब यहां बात नहीं क्या आ रही बताओ, साई आ रहा है बेटा, साई का मतलब क्या हो रहा है, तो कहेंगे साई डिपेंड्स अपॉन क्या बोलोगे, इनिशियल स्टेटस ऑफ सर्किट, है ना बेटा, सर्किट की शुरुआत कैसे हुई, है ना बेटा, याद है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में फाई क्या बोलते थे, इनिशियल फेज का मतलब कि पार्टिकल कहां से मोशन स्टार्ट किया, मीन से स्टार्ट किया या एक्सट्रीम से स्टार्ट किया या मीन और एक्सट्रीम के बीच से स्टार्ट किया, है ना बच्चा, वैसे ही समझ कि यहाँ पे जो हमारा क्या है बेटा चार्ज, है ना, सोचो ये सर्किट की शुरुआत कैसे हुई, तुम ये कह सकते हो कि मैंने क्या किया कि एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर को चार्ज कर दिया और चार्ज करके कैपेसिटर को इंडक्टर में जोड़ दिया। ठीक है बच्चा, है ना, तो देखो अभी वाले केस में क्या हुआ, तो कहोगे टी बराबर जीरो पर कैपेसिटर का चार्ज मैक्सिमम है ना बेटा, इंडक्टर में एनर्जी जीरो है, इंडक्टर में कोई भी एनर्जी नहीं है, है ना बेटा, इसका मतलब इनिशियल कंडीशन में करंट जीरो है और चार्ज मैक्सिमम है, तो देखो बच्चा इनिशियल कंडीशन, तो टाइम जीरो पुट कर लो तो क्या हो जाएगा Q naught sin phi, है ना बच्चा, और ये हो जाएगा Q naught cos phi। अभी क्या कहा तुमने, चार्ज मैक्सिमम और करंट जीरो, इसका मतलब ये फाई की वैल्यू साई की वैल्यू पाई बाई टू होना चाहिए, है ना बच्चा, तो इनिशियल फेज पाई बाई टू, इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किट की शुरुआत कैसे हुई, कैपेसिटर के चार्ज से, है ना बेटा। अब एक और सोचो कंडीशन कि कोई इंडक्टर है बेटा, वो इंडक्टर में पहले से करंट फ्लो कर रहा है, अचानक हमने इंडक्टर को स्विच करके कैपेसिटर में जोड़ दिया, है ना, जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं बेटा कि ये सेल है, ये सेल के साथ एक इंडक्टर है, इंडक्टर हमारा यहां लगा है बेटा और ऊपर एक कैपेसिटर है बच्चा, है ना, मैंने कहा देखो पहले स्विच इससे लगा हुआ था, इसमें जैसे ही करंट आया हमने इसको फिर यहां स्विच कर दिया, है ना, तब क्या होगा, सर्किट की शुरुआत कैसे हुई, तो सर्किट की शुरुआत ऐसे हुई कि कैपेसिटर में कुछ भी एनर्जी नहीं है बच्चा और इंडक्टर में एनर्जी है, है ना, इसका मतलब क्या कंडीशन होगा, तो कहोगे इनिशियल चार्ज जीरो होना चाहिए और सारा एनर्जी इंडक्टर के पास ही होना चाहिए, है ना बेटा। ठीक है, इसका मतलब Q naught हमारा जीरो होना चाहिए, क्यू जीरो होना चाहिए और I हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, तो साइन फंक्शन जीरो और कॉस फंक्शन मैक्सिमम, इसका मतलब साई की वैल्यू बेटा जीरो हो गई, बोलो ठीक है, बात समझे, है ना, एक बार नोट्स घर जाकर के बेटा इन नोट्स को पढ़ लेना और एक बार सिंपल हार्मोनिक मोशन भी रिवाइज कर लेना, जब रिवाइज कर लोगे तो जल्दी समझ पाओगे इन चीजों को, नेक्स्ट क्लास में बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब चलो, होमवर्क दिया था कल मैंने, क्या मैं तो याद ही नहीं है, होमवर्क क्या दिया था, निकालो सीट, सेक्शन H पार्ट 1-2, ओके निकालो।
सेक्शन एच निकालो पार्ट वन टू, पहले पार्ट वन निकाला जाए। एक्सरसाइज वन पार्ट वन, एक्सरसाइज वन पार्ट वन सेक्शन एच। बोलो बेटा एच वन हो गया, वन पार्ट वन में एच, एच थ्री, एच थ्री, एच फोर, एच फाइव। ठीक है, देखो एच थ्री, एच फोर, एच फाइव। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर एच थ्री, क्वेश्चन नंबर एच थ्री क्या कहता है बेटा, देखो इन द सर्किट सोन, जो सर्किट दिया हुआ है उस सर्किट में द पावर ड्रॉन फ्रॉम द सेल, सेल का पावर ड्रॉन क्या है बी, पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टर क्या है, और तीसरा पूछा है पावर गिवन टू द इंडक्टर क्या है। वो तो करवा दिया बेटा, एच थ्री मैंने आज करवा दिया। ठीक है, एच फोर, एच फोर देखो बच्चा, एच फोर में कहता है फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड ए वॉल्यूम ऑफ वन मिलीमीटर क्यूब एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लॉन्ग वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 4 एम्पियर। है ना बेटा, 4 एम्पियर करंट। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालो, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, बी निकल गया। अब एनर्जी की डेंसिटी बी स्क्वायर बाई 2 μ0, है ना बच्चा। तो कहता है 1 मिलीमीटर क्यूब में वॉल्यूम 1 मिलीमीटर क्यूब में, है ना बेटा, 10⁻⁹, है ना बेटा, मीटर क्यूब एनर्जी कितनी होगी। तो कहोगे एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एच फोर हो गया बेटा ये। एच फाइव देखो, वट इज द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी की डेंसिटी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉन्स्टेंट एंड आर एट द सेंटर ऑफ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट ऑर्बिट। क्या दिक्कत बेटा, हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर एच फाइव, हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा है, और इसका रेडियस हमारा क्या है बच्चा, रेडियस हमारा आर है, है ना। ठीक है, तो कहता है इसमें हमारा कि इस पर डेंसिटी क्या होगी बेटा सेंटर पे। तो देखो सबसे पहले तो क्या करो, इसके लिए बोलो बेटा एम बी स्क्वायर बाई आर बराबर 1/4πε0 q1 q2 बाई आर स्क्वायर। इससे तुम भी निकालो, है ना बेटा, वी निकालने के बाद यहां सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, है ना बेटा, फिर एनर्जी की डेंसिटी लिख दो बी स्क्वायर बाई 2 μ0। ठीक है बच्चा, अब इसे लिखा है एच वन लिखा है, इंडक्टर हमारा 2 हेनरी का है बेटा और करंट इंक्रीज कर रहा है 5 एम्पियर पर सेकेंड से, तो वी ए माइनस वी बी निकालना है। नहीं बच्चा, एक क्वेश्चन क्लास में कराया है, नहीं पूछो, पार्ट टू में आ जाओ, पार्ट टू में आ जाओ। एच फाइव में बी कैसे निकाले, अरे एच फाइव में मूविंग चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड का नहीं पता फॉर्मूला, क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। पार्ट टू में आओ एच वन, पार्ट टू में आ जाओ बेटा एच वन, पार्ट टू का एच वन कहता है A wire of fixed length is wound on a solenoid of length L and radius R. The self-inductance is found to be L. Now, if another wire is wound on a solenoid of length L by 2 and radius R by 2, then self-inductance will be. अरे बच्चा लिखो ना फॉर्मूला। Self-inductance किसकी बात कर रहा है क्वेश्चन में?
सोलेनोइड ना बेटा, तो सोलेनोइड का क्या लिखते हो? सोलेनोइड के लिए इंडक्टेंस एल बराबर म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल, ये लिखते हो ना बेटा? बोलो तो सवाल में क्या कहता है, लंबाई इसकी फिक्स्ड है, वायर की लंबाई जो है बेटा वो फिक्स कर दिया गया है ना, वायर की लंबाई फिक्स कर दिया, और अनदर वायर इज बाउंड ऑन ए सोलेनोइड। नाउ इफ अनदर वायर इज बाउंड ऑन ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल बाई टू एंड रेडियस आर बाई टू, एक मिनट रुको, एक वायर है फिक्स लंबाई का, इज बाउंड ऑन ए सोलेनोइड ऑन ए लेंथ एल रेडियस आर, ठीक है बच्चा, सेल्फ इंडक्टेंस हमारा कितना है एल, ठीक है। अब क्या कहता है कि जो पहले लंबाई एल थी वो लंबाई कर दिया एल बाई टू, है ना बेटा, एल वायर कर दिया मैंने, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ सॉरी सोलेनोइड इंडक्टेंस। नाउ इफ अनदर वायर इज बाउंड ऑन द सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल बाई टू एंड रेडियस आर बाई टू, रेडियस हमारा कर दिया आर बाई टू, है ना बच्चा। अब सुनो, वायर की लंबाई एल बेटा, वायर की लंबाई मैंने मान लिया एल वायर, अब सोचो वायर की लंबाई कितनी होगी बेटा, तो अगर एक बार लपेटोगे तो टर्न की लंबाई हो जाएगी बेटा टू पाई आर, है ना, और टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना होता है इसे बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न होता है बेटा एन इंटू एल, टोटल नंबर ऑफ टर्न होता है बेटा एन इंटू एल, तो देखो बेटा एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एल वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एल, है ना बेटा, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर, एन स्क्वायर यहां से पुट करो तो एल वायर का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू बेटा आर स्क्वायर इंटू एल, तो देखो बेटा आर स्क्वायर कट गया, है ना। अब देखो बेटा बाकी सब चीज कॉन्स्टेंट है ना, एक एल यहां से कट गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया, बोलो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रहा, तो लेंथ हमारा अगर हाफ कर दिया तो इंडक्टेंस हमारा होना चाहिए डबल, तो ऑप्शन देखो तो 12 दिया है क्या आंसर, ऑप्शन देखो ऑप्शन नंबर ए दिया है क्या, ऑप्शन ए है हाँ, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज ठीक कर लो, क्वेश्चन का लैंग्वेज गड़बड़ है, लिखा है नाउ इफ अनदर वायर, इनदर वायर का मतलब हो गया बेटा दूसरा वायर, है ना, दूसरा नहीं, अब लिखो नाउ, उसको करो नाउ इफ इनदर वायर नहीं बेटा सेम वायर, है ना, नाउ इफ सेम वायर करो, नाउ इफ सेम वायर कर लो उसको, इनदर मत करो उसको, सेम वायर करो। अब चलो आगे देखो बच्चा, H2 हो गया, H2 हो गया बच्चा, अब एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में आओ, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में 5 से लेके 10 तक बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4 पूछना है देवेश जैन को, 4 और 7, ठीक है देखो नंबर 4 और 7, देखो बच्चा 4 में एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4, फोर कहता है बेटा, फोर कहता है टू पैरेलल लॉन्ग स्मूथ कंडक्टिंग रेल्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस एल 10 सेंटीमीटर आर कनेक्टेड बाय ए मूवेबल कनेक्टर ऑफ मास एम इक्वल टू 4 मिलीग्राम। देख बच्चा कहता है ये हो गया दो पैरेलल रेल्स बच्चा, है ना, और पैरेलल रेल्स के बीच की जो दूरी है बेटा ये हमको एल दिया हुआ है, ठीक है बच्चा, और इसमें एक कनेक्टर है बच्चा, इस कनेक्टर का हमको मास एम दिया हुआ है, ठीक है बच्चा। टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स आर कनेक्टेड बाय रेजिस्टर आर 2 ओम, ये तुमको बेटा क्वेश्चन में रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है ना बच्चा, और कैपेसिटर तुमको सी भी दिया हुआ है, कैपेसिटर सी भी दिया हुआ है, ठीक है बच्चा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारा 20 टेस्ला है प्रोड्यूस्ड इन द प्लेन परपेंडिकुलर, बी हमारा हो गया बैंडिंग फील्ड, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन है बेटा। कनेक्टर इज ड्रैग्ड
विद अ कांस्टेंट फोर्स 10 न्यूटन इसको खींचा गया विद अ फोर्स एफ, ये भी दिया हुआ है ना बेटा। तो कहता है स्पीड ऑफ द कनेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कनेक्टर की स्पीड टाइम के फंक्शन में क्या होगी। तो देखो बेटा मान ले किसी भी समय पे इसकी स्पीड वी, तो इसका बेटा इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, बी वी एल है ना बेटा। इसका मतलब कैसे बन गया, वी बी एफ नीचे, इसका मतलब ऐसे बन गया बेटा एस एल, ऐसे बन गया एस एल। तो ये हो गया बेटा कैपेसिटर और ये हमारा हो गया बेटा रजिस्टर है ना। तो देखो बेटा इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा। तो इस वाले में करंट थ्रू रजिस्टर, तो करंट थ्रू रजिस्टर क्या बोलोगे, बोलोगे बी वी एल बाई आर है ना बच्चा। अब देखो इस वाले में करंट जाएगा बेटा तो ये हो जाएगा चार्ज है ना बेटा, ये हुआ करंट थ्रू कैपेसिटर। तो बोलो बेटा चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या लिखोगे, सी इन टू ई, तो हो गया सी वी सी बी एल वी है ना बेटा। तो करंट थ्रू कैपेसिटर क्या हो जाएगा बच्चा, कैपेसिटर वाला करंट क्या होगा बेटा, तो क्या हो जाएगा बेटा सी बी एल डी वी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा बेटा सी बी एल इंटू एक्सेलरेशन। तो देख बेटा इसमें करंट क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करंट क्या हो जाएगा बेटा, बोलो बोलो। तो इसका करंट हो जाएगा बेटा आई इक्वल टू आई रजिस्टर प्लस आई कैपेसिटर है ना बेटा। ये कितना हो गया सी बी नहीं बी वी एल बाई आर प्लस ये हो गया बेटा सी बी एल ए है ना। तो बेटा इस पे मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, लगेगा आई एल बी, इसका मतलब बी वी एल बाई आर प्लस सी बी एल ए इंटू एल बी है ना बच्चा। अब आगे ये फोर्स लगेगा बेटा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बेटा पीछे, तो क्या लिखोगे एफ माइनस एफ मैग्नेटिक इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां से ए निकालो, ए निकालने के बाद इसको लिखो बेटा डी वी अपॉन डी टी और इसको टाइम फंक्शन में इंटीग्रेट करो। आ जाके बच्चा ठीक है आगे चलो। देवेश जैन प्लीज अनम्यूट। अच्छा लो सबको कर दिया अनम्यूट, लेकिन हल्ला बिल्कुल नहीं करना, कल तुमने हल्ला करना शुरू कर दिया था। देखो बच्चा आगे सर कैपेसिटर के अक्रॉस अपन आई इज इक्वल टू क्यू नॉट बाय सी ई की पावर माइनस टी बाय टाउ की नहीं लिख रहे हैं, फिर से बोलना सर। अपन ने कैपेसिटर में फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो कैपेसिटर के थ्रू करंट निकालने का, वो ई की पावर माइनस टी बाय टाउ का फंक्शन। हाँ वो कब करेंगे बेटा, जब तुम्हारा कैपेसिटर को एक कांस्टेंट सोर्स से लगा होगा तब ना बेटा। बोलो यहाँ सोर्स जो है वो तो कांस्टेंट नहीं है बच्चा। यस सर है ना, तो नहीं कर सकते ना ऐसा। थैंक यू सर। सिक्स देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स बोलता है बेटा ए स्क्वायर मेटालिक लूप ऑफ लेंथ एल इज प्लेस्ड नियर ए फिक्स्ड लॉन्ग वायर कैरिंग ए करंट आई, इफ द लूप इज मूव्ड टुवर्ड्स राइट परपेंडिकुलर टू द वायर। ये क्वेश्चन करा चुका हूँ क्लास में, मैं सिक्स नंबर क्वेश्चन क्लास में बता चुका हूँ। नंबर सेवन देखो। हाँ बेटा पहले सेवन देख लेते हैं। ए वायर लूप इनक्लोजिंग ए सेमी सर्किल ऑफ रेडियस ए 2 सेंटीमीटर इज लोकेटेड ऑन ए। अच्छा ठीक देख बच्चा इस सवाल में क्या कहता है, ये सवाल कहता है बेटा सात नंबर में इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा और इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ठीक है। अब देखो इसमें कहता है बेटा ऐसा एक लूप लो है ना, और इस लूप सेमी सर्कुलर वायर लो बेटा और इसको ऐसे घुमाओ। तो बोलो बेटा अभी ये अंदर जाएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा, बोलो बढ़ेगा ना बेटा। हाँ देखो थोड़ी देर बाद ये लूप जो है बेटा वो ऐसे हो जाएगा ना, और उसके बाद जब घूमेगा तो क्या होगा, फ्लक्स हटेगा ना बेटा, बोल। यस सर। इसका मतलब कभी फ्लक्स बढ़ेगा और कभी फ्लक्स घटेगा है ना बच्चा। फ्लक्स कभी बढ़ेगा कभी घटेगा ना,
इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें चेंज करता रहेगा हमेशा, बोलो, है ना? तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा चेंज करता रहेगा, इसलिए क्वेश्चन में लिखा है माइनस वन का पावर एन, है ना बेटा? इसलिए माइनस वन का पावर एन हमारा सोचने का विषय नहीं है बच्चा, ठीक है? तो माइनस वन का पावर एन बिल्कुल मत सोचो, बाकी सोचो। तो बाकी सोचो कि थीटा एंगल घूम गया, थीटा एंगल घूम गया बेटा, तो क्या बोलेंगे? हाफ बीटा टी स्क्वायर। बीटा इसका है बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन, बीटा इसका है बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमसे पूछा गया बेटा इसमें ईएमएफ है ना बच्चा, तो थीटा अगर इतना हो गया बेटा तो बोलो फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, बी इंटू इसका एरिया क्या होगा, रेडियस क्या दिया इसका ए, तो बी ए स्क्वायर थीटा बाई टू, है ना बेटा? तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी का मोड, ठीक है बच्चा? सात नंबर हो गया। दस नंबर देखो बच्चा, अब देखो बेटा दस नंबर क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन नंबर दस नंबर नाइन भी चाहिए, नाइन देखो बच्चा। नाइन कहता है पाई शेप कंडक्टर इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कंडक्टर एंड वेरिंग विद टाइम एट db upon dt equal to 0.1 tesla per second, ठीक है बच्चा? अब कहता है कंडक्टिंग कनेक्टर को मूव कराओ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से w बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ड्यूरिंग द पैरेलल बार ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कनेक्टर हमारा दिया है बेटा 20 सेंटीमीटर, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप एट t equal to 2 second आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मोशन, है ना बच्चा? मोशन के शुरू होने के दो सेकंड बाद हमारा इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? इफ एट द मोमेंट टी इक्वल टू जीरो लूप एरिया एंड द मैग्नेटिक फील्ड, सब जीरो था बेटा, है ना? तो देखो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड पहले अगर जीरो था, है ना बेटा, और 0.1 सेकंड के रेट से वेरी कर रहा है, तो फील्ड हमारा हो गया बेटा 0.1 t, बोलो, है ना बेटा? फील्ड हो गया हमारा 0.1 t, ठीक है बच्चा? और लूप जितना आगे बढ़ जाएगा बेटा, लूप हमारा जितना आगे बढ़ जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे रॉड में, s बराबर ut plus half a t square, तो ये हो गया half into 10 into t square, इसका मतलब हो गया बेटा 5t square, बोलो बच्चा, ठीक है? तो फ्लक्स क्या हो जाएगा इसका, मैग्नेटिक फील्ड b into एरिया, b हो गया तुम्हारा बेटा 0.1 t और x हो गया 5t square और लंबाई इसकी है l। अब बताओ इंड्यूस ईएमएफ निकाल लोगे, इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है? चलो आगे देखो 10 नंबर क्वेश्चन, कहता है बेटा इन द सर्किट डायग्राम शो इन द फिगर द स्विचेस s1 s2 आर क्लोज्ड एट टाइम t इक्वल टू 0, s1 s2 दोनों क्लोज कर दिया टाइम t बराबर 0 पे, After time t equal to 0.1 ln 2 second, switch S2 is opened. बाद में S2 खोल दिया, ठीक है? S2 is opened. The current in the circuit at time t equal to इतना is equal to इतने time पे current क्या होगा? देखो बच्चा, question number 10 में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग 0 से लेकर के 0.1 ln 2 second की, है ना? 0 से लेकर के 0.1 ln 2 second में इसने हमारा, देख बेटा सर्किट में दोनों स्विच बंद है, तो देखो बेटा जब दोनों स्विच बंद है तो सर्किट कैसा हो चुका होगा? ऊपर का हमारा ये जो हमारा है रेजिस्टेंस, है ना बेटा, ये हो चुका है शॉर्ट। देख बच्चा अगर ये रेजिस्टेंस में ये स्विच क्लोज कर दिया तो ये शॉर्ट हो गया बेटा, ये शॉर्ट हो गया तो हमारा क्या बचा अभी, अभी बचा बेटा 10 ओम और ये बेटा हमारा इंडक्टर बचा, इंडक्टर हमारा कितना बचा, इंडक्टर बचा हमारा बेटा ये 1 हेनरी का और ये हमारा है बेटा 100 वोल्ट, है ना? तो देखो बच्चा अभी वाले कंडीशन में I इक्वल टू क्या लिखोगे, I नॉट 1 - e का पावर -t/2, है ना बेटा? I हमारा निकालना है मुझे, तो I नॉट कितना है, तो 100 by 10, तो ये हो गया I नॉट हो गया बेटा 100 by 10 1 - e का पावर t/2, t हमारा बेटा 0.1 ln 2,
0.1 ln2 डिवाइड बाय टाइम कांस्टेंट निकालो, ये तुम्हारा होगा L by R, L by R 0.1 हो जाएगा बेटा, सॉल्व करो तुम्हारा आंसर आएगा 5 एम्पियर, है ना बेटा। अब कहता है सडनली हमने स्विच ओपन कर दिया, ठीक है बच्चा। तो अब देखो बेटा, सडनली तुम स्विच ओपन कर दोगे तो अब सर्किट कितना बन जाएगा बेटा, देखो अब सर्किट बन जाएगा तुम्हारा ऐसा 100 वोल्ट का, कौन सा ओपन किया था, S2 ओपन किया था बेटा, S1 तो लगा हुआ है ना अभी। तो देखो बेटा अभी हमारा, एक मिनट यार, हेलो आवाज सुनाई दे रहे बच्चों? Yes, sir. वीडियो गायब हो गया होगा, रुक गया सर, वीडियो रुक गया है सर, लाइट चला गया सर। अभी होस्ट कौन है अभी? अच्छा होस्ट मैं हूँ अभी, तो कंप्यूटर ऑफ हो गया यार, कंप्यूटर ऑफ हो गया एक्चुअली, लेकिन मोबाइल में लॉग इन हूँ, तो मैं क्या करूँ, मेरे वीडियो को चेक करो तो अच्छा, क्लास ऑफ कर दो, देखो ना कोई एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तुरंत, अभी आपका वीडियो क्यों नहीं है, मेरा वीडियो आ रहा देखो तो कहीं, मेरा फोटो आ रहा होगा देखो जल्दी, यस सर, चलो एक क्वेश्चन बताता हूँ, दिखा, यस बोर्ड दिखा, यस सर दिख रहा है, तो देखो बच्चा इस सवाल में हम लोग यहाँ तक निकाल चुके थे कि इसका करंट हमारा आ गया 5 एम्पियर, बोलो है ना, यहाँ तक कर चुके थे बच्चा, यस सर। इस सर्किट में कह दिया है कि ये स्विच अगर खोल दिया जाए, तो देखो बच्चा ये स्विच खोल देंगे तो सर्किट हमारा कैसे बन जाएगा, ये हो गया हमारा 100 वोल्ट है ना बेटा, और यहाँ कितना था बता रेजिस्टेंस, यहाँ कितना था रेजिस्टेंस, 40 था, तो देखो बच्चा अब इसमें हो गया ये 40 ओम, और ये हमारा आ गया बेटा 10 ओम, और ये हमारा बेटा हो गया इंडक्टर, है ना। तो बताओ बेटा अब इस नए सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या लिखोगे, अब इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, टाउ इक्वल टू एल बाई आर 1/50, बोलो होगा। अब सोचो इस सर्किट का इनिशियल करंट, इस सर्किट का बेटा I1 इनिशियल करंट कितना था, तो बोलेंगे 5 एम्पियर, बोलो बेटा ये हमारा हो गया 5 एम्पियर, बोलो ठीक है। और मुझे इसका फाइनल करंट निकालना है बेटा, मुझे इसका फाइनल करंट निकालना है, मतलब I2 निकालना है, बोलो है ना। अब देखो सवाल में कहा था बेटा कि हमको निकालना है I2 बराबर एट 0.2 ln2, बोलो बच्चा है ना। तो देखो बेटा 0.1 ln2 इतना समय पहले ही बीत चुका है, इतना समय पहले ही बीत चुका है ना बच्चा। अब अगर इतने समय पे निकालना है तो हमको I2 निकालने के लिए टाइम कितना मिला, फिर से 0.1 ln2 मिला ना बेटा, बोलो नहीं ना मिला। तो इनिशियल करंट पता है, फाइनल करंट निकालना है, फॉर्मूला लगा दोगे निकल जाएगा, यस फॉर्मूला लगा दोगे निकल जाएगा ना बच्चा, सर चैप्टर का होगा, यस सर। चलो होमवर्क देख लो आगे, चैप्टर में बेटा अभी लगेगा, 2 क्लास और लगेगा। चलो होमवर्क में देख लो बच्चा, होमवर्क में सेक्शन एच ने किया हम लोगों ने, आज कर लिया सेक्शन एच तो कर लिया हम लोगों ने, यस सर। और अभी सेक्शन आई कंप्लीट हुआ कि नहीं देखने दो मुझे, वीडियो बंद हो गया, हाँ वीडियो बंद कर दिया मैंने, हुआ नहीं है बंद कर दिया मैंने। ऐसे हमको फिजिक्स सॉल्व करते टाइम सर जैसे हमें फिजिक्स के क्वेश्चन करने में थोड़ी दिक्कत आती है सर, थ्योरी समझ आ जाता है तो क्या करें सर, थ्योरी समझ आ जाता है लेकिन क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है, क्या करें। हमें सुन लिया तुम्हारी बात, हमारा थ्योरी भी समझ में आ गया है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुमको दिक्कत होती है ना, बोलना चाहते हो बेटा? जी सर, जी सर। क्वेश्चन सॉल्व करने से प्रॉब्लम सॉल्व करने तक का जो सफर है, सबसे पहला है बेटा क्वेश्चन के भाषा को समझना, ठीक जी सर। दूसरा स्टेप है बेटा क्वेश्चन के लैंग्वेज को
देख करके डायग्राम में कन्वर्ट करना, तीसरा स्टेप है डायग्राम, डायग्राम से फिर इक्वेशन में आना और फिर इक्वेशन से सॉल्व करना, ठीक है? और तुम अपने आप को जज करो कि तुम किस पैरामीटर में दिक्कत हो रही है बेटा, लैंग्वेज में दिक्कत होता होगा अगर सीबीएसई बोर्ड के हो गए तो, लैंग्वेज में दिक्कत नहीं होता सर, लैंग्वेज में सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है? दिक्कत तुमको आता मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करने में होता होगा बेटा, मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करने में दिक्कत होती होगी, है ना? तो इसका इलाज सिर्फ एक ही है, प्रैक्टिस जी, दूसरा कोई इलाज नहीं है। तुम आसान क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस किया करो, एक्सरसाइज वन की ज्यादा प्रैक्टिस करो और एक्सरसाइज वन करने के बाद तुम एचसी भी किया करो। जी सर। एक्सरसाइज वन करने के बाद एचसी भी किया करो, एचसी भी। ठीक है सर। चलो बच्चा होमवर्क मार्क करो सर। सर हमारी सर हमारी क्लास सर छूट गई है, तो सर 11 बजे के बाद सर टेलीग्राम पे लिंक भेज देना सर। बेटा पहले मुझे होमवर्क बताए थे बच्चों को, टाइम खत्म हो रहा है। हाँ अच्छा बताओ, एक्सरसाइज वन पार्ट थ्री में कहाँ तक कर चुके हैं हम लोग, कुछ किए क्या? टेन तक कर चुके हैं। यस सर। तो ठीक है, तो एक्सरसाइज टू पार्ट थ्री में क्वेश्चन नंबर 10 से 15 कर लेना। दस सवाल है, अच्छा हाँ सॉरी 10 से खत्म हो गया इसका मतलब है तो, नहीं नहीं टू पार्ट वन में कितना किए थे? 10 क्वेश्चन किए थे टू पार्ट वन में, 10 क्वेश्चन किए थे, तो तुम पूरा खत्म कर सकते हो, कर लो खत्म, ठीक है? एक्सरसाइज टू पार्ट वन कंप्लीट कर लो बच्चा, एक्सरसाइज टू पार्ट वन कंप्लीट कर लो, है ना? और एक्सरसाइज टू पार्ट वन मतलब कहो तो एक्सरसाइज टू कंप्लीट करना है तुम्हें, ओके? ओके सर। एक्सरसाइज टू कंप्लीट करना है बच्चा, यही हमारा होमवर्क है। एक्सरसाइज वन पार्ट थ्री नहीं हुआ है। एक्सरसाइज वन पार्ट थ्री ईएमएफ का नहीं हुआ है। हाँ कर ईएमएफ का वन पार्ट थ्री। यस सर। वन पार्ट थ्री नहीं हुआ करना है। नहीं पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री। एक्सरसाइज टू पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री। स्टूडेंट्स पे शीट्स मिलने लग गई हैं अब। सर स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि रेजोनेंस पे शीट्स मिलने लग गई है, मैं कल कलेक्ट कर लाया हूँ ऑफिस से। सर शीट्स मिल गई पे रेजोनेंस पे आगे की, बच्चों को बता दीजिए इसको। हाँ सर वहाँ पे बस सारे बच्चे सुन लिए होंगे, तो जो बच्चे कोटा में हो जाके ले लो सीट अपनी। सर डीपीपी डिस्कशन का होगा। कुछ नहीं बोल सकते बच्चा, अभी तो सोल्यूशन का है प्ले कर, जो भी डाउट है उसको मार्क करते रह, है ना? मैं फिक्स टाइम दूंगा तुम लोगों को डाउट का, उसमें काम करेंगे हम लोग बच्चा, उसमें फिक्स टाइम दूंगा डाउट का। अरे ये बच्चा भाई एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 भी दे दीजिए। नहीं पहले नहीं कंप्लीट करो, अगली नेक्स्ट क्लास में दूंगा तुम लोग क्लास की रखो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 पार्ट एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। ओके बाय बाय सर। ओके सर थैंक यू। बाय सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आजकल क्या मीटिंग एंड नहीं करते हैं क्या सर? हेलो भाई कर दो मीटिंग।